हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यतेश। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे। और आई जस्ट प्रे कि आप सब अपने घरों पे सेफ होंगे अपनी फैमिली के साथ। केसेस फिर से कोविड के इंक्रीज हो रहे हैं, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट योर होम। इम्यूनिटी बढ़ाइए, क्योंकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है। ओके, सो अभी हम इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, जिसमें आई एम गोइंग टू विजिट फ्यू प्लेसेस इन एंड अराउंड चंडीगढ़ जो बहुत लेस विजिटेड है। मीन्स आपने सुने ज़रूर होंगे बट ज़्यादा विजिट नहीं किया होगा, रेयरली विजिट, और आउटस्कर्ट्स में है तो ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं उन प्लेसेस पे। सो आई विल कवर एंड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस फॉर यू एंड इन माई दिस वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। लेट्स गो। गाइस, आई एम अबाउट टू लीव फ्रॉम होम। अब हम जा रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में आपने देख लिया होगा। सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी। ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी पहुंच चुका हूं कैक्टस गार्डन में। अभी पार्किंग में हूं, गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, सो आई विल जस्ट गो इनसाइड द पार्क। और ये चलते हैं अंदर। दिस इज द टिकट काउंटर, टिकट ले लेते हैं। आई विल जस्ट क्विकली रीड आउट सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। इस पर लिखा है कि इनकेस देर इज लेस वाटर, स्टिल दीज कैक्टस कैन ग्रो एंड दीज आर यूज फॉर सम मेडिसिन एज वेल, फ्राम फॉर डेकोरेशन एज वेल। सो यू कैन यूज दीज लिटल कैक्टस फॉर डेकोरेशन एट योर होम्स और एट योर वर्क स्टेशन एज वेल। ओके, तो टिकट हमने ले लिया है। ये टिकट है हमारे पास, 10 रुपीज़ का एंट्री टिकट है, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो इस कैक्टस गार्डन की खासियत ये है, ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, देखिए। एंड 3,500 से ज़्यादा वैरायटी के यहाँ पे कैक्टस मिलेंगे आपको। आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू द कंप्लीट गार्डन। और ये 7 एकर्स में पूरा एरिया कवर किया हुआ। ओके, सो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, ये वेरी लेस विजिटेड प्लेस है, तो यू वॉन्ट फाइंड मैनी और मच क्राउड हेयर, बिकॉज काफ़ी लोग कैक्टस में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं। इफ़ यू आर अ नेचर लवर, प्लांट लवर, देन ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेस्ट प्लेस इन पंचकुला ट्राई सिटी, आई से यू मस्ट विजिट। और अगर आप लोकलाइड नहीं भी हैं, चंडीगढ़ नहीं भी रहते हैं, इफ़ यू आर आउट स्टेशन बाहर कहीं रहते हैं, तो इन केस यू आर विजिटिंग चंडीगढ़ पंचकुला साइड, डू विजिट दिस ब्यूटीफुल कैक्टस गार्डन। ये 1992 में इनॉग्रेट हुआ था तब मिस्टर भजन लाल की तरफ से। यस, मस्ट विजिट दिस। वाइड वाइड वैरायटी ऑफ कैक्टस है यहाँ पे। ये
भी आप अगर देख सकते हैं, यस ये देखिए मेरे पीछे, ये कुछ ऑक्टोपस ब्रीड का कैक्टस लग रहा है मुझे। आई एम नॉट श्योर इट इज लेबल्ड हियर, नाम इसका कहीं लिखा होगा। तो ये देखिए, ये एक और बहुत ही ह्यूज कैक्टस है। जी हाँ, बहुत बहुत ह्यूज। आई एम नॉट श्योर इसको क्या नाम दूँ मैं। इनके पड़ोस में तो हमने इनको ऑक्टोपस का नाम दे दिया है, इनको क्या नाम दें। और ये देखिए, ये है, फ्लावर्स भी हैं साथ में, कैक्टस भी हैं। इनको देखकर तो आई गेस एक फिल्म का नाम याद आ रहा है मुझे, फूल और कांटे। व्हाट डू यू सजेस्ट? अगर आपके माइंड में कोई और नाम है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या और नाम दे सकते हैं हम इस कैक्टस को। ये देखिए, ह्यूज एंड ब्यूटीफुल टू। ये है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस अभी बंद है, मे बी बिकॉज ऑफ टेकिंग केयर और कोविड गाइडलाइंस के चलते। इसके अंदर जस्ट शो यू इफ आई कैन। यस यस, ये देखिए, यहाँ एक ग्लास हाउस के अंदर भी छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, पैसेज बना हुआ है जाने के लिए। यहाँ पे मार्च के महीने में कैक्टस शो लगता है, बट दिस ईयर इट इज़ नॉट हैपनिंग आई बिलीव। आई जस्ट क्रॉस चेक। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूँ, ये सेक्टर 5 में लोकेटेड है। सेक्टर 5 में बिल्कुल इसके एडजेसेंट आपको टाउन पार्क मिलेगा, एक दैट इज़ वेरी फेमस प्लेस, उसके बिल्कुल साथ में ही है ये कैक्टस गार्डन। और दूसरी चीज़, इट इज़ नॉट ओनली गार्डन जस्ट फॉर द व्यूइंग पर्पस, आप यहाँ से कुछ कैक्टस परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेल काउंटर है। सेक्टर 5 इज अ कमर्शियल सेक्टर बेसिकली ऑफ पंचकुला। यहाँ पे आपको यू वी वॉन्ट फाइंड एनी रेजिडेंस और रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे ओनली कमर्शियल एरिया, आई मीन्स पार्क्स मॉल्स टाइप के लिए ही एरिया बुक्ड है सेक्टर 5 पंचकुला का। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसके बिल्कुल एडजेसेंट यू विल फाइंड द फेमस टाउन पार्क, इसके राइट साइड में यू विल फाइंड द मॉल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो सेक्टर 5 में है ये, और यहाँ पे आपको कोई और रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा, रेजिडेंस नहीं मिलेगा। अमेजिंग व्यू। एरिया, ये रूम है आई बिलीव, या ये अभी बंद है, बट यू कैन कम हेयर एंड परचेज और बाय द कैक्टस इफ़ यू वॉन्ट एनी। आपको स्मॉल प्लांट्स यहाँ मिल सकते हैं कैक्टस के, बट अभी अनफॉर्चुनेटली इट्स क्लोज फॉर टुडे, बट इन एनी नेक्स्ट डे यू कैन कम एज पर योर कन्वीनियंस। सो गाइज, अभी मैंने चेक किया है अथॉरिटी से, तो जैसा कि हमारा गेस्ट ठीक था, एवरी ईयर यहाँ मार्च में कैक्टस शो होता है, बट ड्यू टू कोविड इस साल वो नहीं हो पाया। एंड थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हुई है, गैदर की है मैंने रिगार्डिंग द एंट्री। ये 10 rupees की एंट्री है, जो इट इज़ वैलिड फॉर 1 hour। आप एक बार एंट्री करके 1 hour तक अंदर स्टे कर सकते हैं, एंड इट्स 7 days ओपन। गुड थिंग इज 7 days ओपन है, सुबह 8 to 6 उन्होंने मुझे बताया, अराउंड मॉर्निंग 8 to evening 6, and 1 hour valid for one ticket, one entry 10 rupees per person। So in case आपको ये vlog अच्छा लगा हो, explore की हमने नई जगह एक आपके लिए, तो comments में ज़रूर बताइए, like, share, subscribe करना मत भूलिए। Thank you so much, और बने रहिए और exciting video के लिए, next destination के लिए। आप मुझे comment कीजिए कहाँ का vlog आप देखना चाहेंगे, otherwise I already have prepared some list, so आप गेस कीजिए नीचे कि नेक्स्ट 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 प्लेस क्या होगा मेरा एक्सप्लोर करने का। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।